विचारों को फॉलो, जिसको हम थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं
आप अगर ये सुनोगे नहीं तो बाद में समझोगे, इसलिए जरूरी है सुनो। इसको हम बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिसी। फिर आप लोगों को क्या बताना है, लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिसी। जब लिबरल की बात करते हैं तो लिबरल का मतलब ये होता है कि जो सामाजिक संस्थाएं, जो समाज की संस्थाएं हैं, चाहे वो फैमिली हो आपका, चाहे वो आपकी पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे वह समाज की कोई भी धारा हो, चाहे वह खुद गवर्नमेंट हो, उसका आपकी जिंदगी पे कोई अधिकार नहीं, आप फ्री हो। यहाँ तक ये कहते हैं कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। दे टॉक अबाउट द नेगेटिव नोशन ऑफ लिबर्टी, दे टॉक अबाउट नेगेटिव नोशन ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब ये है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो वो बातें करते हैं कि एक इंसान जैसा भी जिस भी अवस्था में अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने। अब इस विचारधारा को माना जाए तो उस हिसाब से, तो आप शराब पियो, आप जो है गलत दवाइयों का यूज करो, ठीक है, ड्रग्स का यूज करो, तो भी इस विचारधारा के हिसाब से सही है ना। ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव लिबर्टी। क्योंकि मेरा यहाँ पे उद्देश्य यही नहीं है कि मैं आपको भाषण दूँ और चीजें बताऊँ, मैं आपको कुछ समझा कर भी जाना, थोड़ी सी आपको समझ में भी आए। ये नेगेटिव लिबर्टी का नेगेटिव लिबर्टी स्वतंत्रता, ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी नकारात्मक स्वतंत्रता। एक दूसरा जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। आप सभी को समझ में आ रहा है, हाँ, कोई चीज मुश्किल हो समझने में, भाषा की कोई दिक्कत हो तो मुझसे बोल सकती हो, मैं रिपीट करता हूँ आपकी सब बात। दूसरा होता है पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब जो आपका सबसे बेहतर फॉर्म है, आपका नाम क्या है, तो बाकी हम प्रैक्टिकली करते हैं। लिबरलिज्म में बताया ना मैंने, लिबरल लिबरल का मतलब ये है कि प्रतिमा यादव। तो प्रतिमा यादव अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कब देगा, जब उसकी मदद होगी। आप अभी प्रतिमा यादव आपका ही स्टेज, बट आपका बेस्ट क्या, जब आप अपने बेस्ट को अचीव करोगे उस तरह की पॉजिटिव लिबर्टी। और इसमें सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं, गवर्नमेंट और जिन्होंने जो समाज की शाखाएं हैं, ये आपकी मदद करेंगी अपना बेस्ट अचीव करने, ठीक है। तो उस अपन शाखाओं को, उन शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आप सबके, आप सबके सामने इस पॉजिटिव लिबर्टी के मोशन को फॉलो करते हैं, इस सकारात्मक स्वतंत्रता के ध्यान में रखते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसलिए आया क्योंकि देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। खुद के बारे में बताना बोलना उसके लिए मैं यहाँ पे आया नहीं, लेकिन मेरा मकसद देखिए आपको ये चीज सिखाना है कि औद्योगिक क्षमताएं हर जगह पे, विभिन्न जगहों में, दुनिया की, हिंदुस्तान में, दुनिया की हर एक जगह पे बराबर। अगर किसी का ये मत है कि औद्योगिक क्षमताएं संसाधनों से डिसाइड होती है तो ये नहीं, ऐसा नहीं। संसाधन की वजह से हो सकता है कि आप कुछ बनना हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता आप बेहतर रहेगी। तो अब इन सब बातों का मतलब क्या है, इन सब बातों का मतलब ये है कि आप सभी ट्वेल्थ करोगे, ट्वेल्थ के बाद आप सभी के जिंदगी में कुछ उद्देश्य है ना, चाहे वो आईटी से बीटेक करने का हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में जाने, चाहे किसी गवर्नमेंट संस्था में जाकर काम करने, चाहे किसी सरकारी संस्था में जाकर काम करने। तो अगर आपका उद्देश्य
अगर आपका उद्देश्य लिमिटेड है कि मेडिकल प्रोफेशन से लेकर और इंजीनियरिंग प्रोफेशन से लेकर, तो मैं सही इंसान नहीं हूँ आपको गाइड करने का। लेकिन आपके अगर दिल में थोड़ी सी भी आकांक्षा है कि मुझे सरकारी संस्था ज्वाइन करना है, उसका हिस्सा बनना है, और आपके दिल से कोई अच्छे विचार है कि मुझे समाज में कुछ बदलाव लाना है, कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए, अगर आपके दिल में, क्योंकि हर एक इंसान के दिल में अच्छे विचार तो होते ही, ये उसकी अवस्थाएं होती हैं जो उसको बुरा बनने के होती है, ये उसकी अवस्थाएं होती हैं जिसको बुरा बनने के लिए। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी आकांक्षा है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके द्वारा आपको एक सही तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम होता है सिविल सर्विस। कौन सा एग्जाम होता है? इसको उन्हें ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। ये लोग भारत देश के इतनी भी न्यायिक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, शासन की जो चीज़ें हैं ये डिसाइड, भारत सरकार की जितनी भी पॉलिसी है यही लोग हैं जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि फॉलो करते हैं, जो कि थोड़ी कमजोर है। तो प्लीज आप लोग जो है समझ रहे, ये बात को समझ रहे, फॉलो कर रहे। तो सिविल सर्विस का एक बड़ा एग्जाम होता है, और सारे भी एग्जाम्स होते हैं हमारे, बहुत सारे यूनिट्स हैं जो जिनके अंदर जज्बा है, करेज है। ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी, राइट? यू आर फॉलोइंग मी, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, the more the way you are, right? Confidence is not something that has to be shown, it is something that is intrinsic, jo aapke andar se nikalta hai. And if your confidence is from your knowledge, if your confidence is from your work, hard work, it is a positive one. Kuch logo mein negative confidence bhi ho, jo chashma laga kar rehte hain, acche, theek hai, to negative confidence. तो ये कुछ हमारे बच्चे तो करेजियस होंगे, बहुत ही साहसी होंगे, जिनके लिए देश के लिए कुछ करने का जज्बा होगा, तो उनके लिए सीरियस का एग्जाम होगा। मैंने सीरियस का एग्जाम 3 बार क्लियर किया था, रिटन टेस्ट, उनका इंटरव्यू पार्ट बाद में, मुश्किल तो नहीं होता है, मैं उसमें सेलेक्ट नहीं। सीएपीएफ का एग्जाम होता है, ये होता है, आपने सुना होगा, ज्यादा नहीं करूंगा, आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए एग्जाम है। सीएपीएफ का एग्जाम, जैसे आपने देखा होगा बीएसएफ का, हमारी आपने मेट्रो में देखा होगा, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कि जो लगी रहती है सुरक्षा में फोर्सेस, उन्हें सीआईएसएफ बोलते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारी फोर्सेस इस एग्जाम के बाद आप कुछ ऐसे सरकारी एग्जाम्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। उसके बाद स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, आप जैसे आपने ये सारे बच्चे हैं जिन स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें ये एग्जाम्स के बारे में पता नहीं, ईमानदारी से आप ईमानदारी से हाथ को ढंग के साथ हाथ धोओ, यार हाथ धोने का भी तो बात बनेगी ना, तो आप कौन से एग्जाम देते हैं? तो आप लोगों भी कॉन्फिडेंस लाना है, आप लोग इनसे पीछे कैसे रहोगे? बोलना है, दम के साथ बोल रहे ना, डरना थोड़ा ना, बराबरी है ना। चलो बताओ कौन सा एग्जाम नहीं पता था आपको, आप बेटर जॉब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एग्जाम नहीं पता था आपको? सीएपीएफ, इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें मैंने बताया कि जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तरह तरह की विभिन्न तरह के कोर्सेज हैं,
जिसमें जो है आपको भर्ती किया जाता है एज एन ऑफिसर, अधिकारी के रूप में आपको भर्ती किया जाता है। ये एग्जाम मतलब स्टार्ट हो जाता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ भी करके आप ग्रेजुएट हो, अब इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको जागरूकता नहीं। आप मानते हो इस बात को? गांव के ग्रामीण बच्चे बहुत सारे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जागरूक करता ही नहीं है कोई। तो ये बहुत ही गलत धारणा है कि मतलब हमने जो है बीए कर लिया, हमने बीएससी कर ली, अब हम एमएससी करेंगे फिर हम टीचर बन जाएंगे। ये मैक्सिमम तो उस धारणा से अलग जाकर एक नई धारणा की दिशा में आपको मैं प्रेरित करता हूँ। तो ये हो गया सीएबीएफ का, आपको समझ में आ गया बच्चे? इसमें ऑफिसर बनाते हैं। अब इसमें एक और होता है आईटीबीपी, इंडोर तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी में लड़कियों के लिए प्रावधान नहीं है, बाकी जितने होते हैं उसमें प्रावधान है कि लड़कियां एग्जाम दे सकती हैं। मतलब लड़कियां एग्जाम देंगी तो बाकी सारों में सिलेक्ट हो जाओगे, बट आईटीबीपी में नहीं सिलेक्ट होगा, बाकी आपको देखना पड़ेगा। बट जहां तक मेरे मेरी जानकारी का सवाल है, मुझे ये चीज पता है कि आईटीबीपी में सर लड़कियों को अलाउ नहीं है। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता लग गया ये एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब इन एग्जाम का कुछ पैटर्न होंगे। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने शायद इतने लोग सिविल सर्विसेज में पढ़ा, आईएएस बनना चाहते हैं, कितने लोग बनना चाहते हैं? आईएएस तो सुना ही होगा, डीएम तो सुना ही होगा, डीएम की वीडियो तो वो देखी ही होगी। कितना देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस तो देखते ही होगे डीएम की? किसी डीएम का नाम याद है? आदर्श घर वाले डीएम का डीएम की पढ़ाई करते हैं ना कि ये डीएम देखो डीएम है हवा है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, है ना, कि हवा वाली सोच गड़बड़ है। क्योंकि जो डीएम है ना वो डीएम जो पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, वो लोगों के लिए काम करने के लिए बना है, अफसर शाही के लिए काम करने के लिए नहीं। तो कभी भी डरो मत, डीएम की हवा से मत डर। ठीक है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान सबको बराबर अवस्था में रखता है, राइट टू इक्वालिटी। हिंदुस्तान का संविधान में आर्टिकल है आर्टिकल 14, ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, मतलब कानून की निगाह में हम सभी बराबर, आपके पास राजनीतिक अधिकार बराबर। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है सोच की, दिशा की, दिशा हम जैसे लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो आखिर पहले ये बताओ इसमें से कौन कौन सा बच्चा जानता है कि डीएम का काम क्या हो? कौन कौन सा बच्चा जानता है? काम नहीं जानते हो ना, इसलिए अब बता दो करेंगे मतलब डीएम का क्या काम। तेजी से बोलो, तेजी से बोलो, अरे डरो मत, कॉन्फिडेंस से बोलो यार। मैं भाई जैसा हूँ तुम्हारे, बड़े भाई जैसा हूँ, क्या बात है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना यार। मतलब कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कानून प्रणाली देखता है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। जब पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की बात मतलब अगर मान लो कोई हिंसा हो गई कहीं पे, ठीक है, तो ये सब जो है इनके ब्यूरोक्रेट्स के डिस्क्रिप्शन में आती है, उनके जुरिस्डिक्शन में आती है, उनके क्षेत्राधिकार में आती है। इतनी इतनी बड़ी पोजिशन के लिए, इतनी बड़ी पावर के लिए अब क्यों नहीं सोच रहे? आपको क्या लगता है कमी कहाँ? चलो आप में से कोई भी जवाब दो, कॉन्फिडेंटली जवाब दो, जो बच्चे कॉन्फिडेंट हो। कुछ ही लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस से अपनी बात कर पाते हैं, और ऐसे लोग जो है लीडर बनते हैं, लीडर लोग। क्या उन्होंने नमस्ते उन्होंने